हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज का अपना टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक चल रहा था अपना अब तक। क्या लैड एंड डिस्प्लेस बाय अनदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मैकेनिज्म ओबे SN1 SN2। ठीक, नाउ अबाउट द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन बेटा थ्री टाइप का होता है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। तो क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन यहां पर रिमूव होगा, इसके एडजेसेंट कार्बन से क्या आ जा रही है, हैलाइडाइन। हैलाइडाइन जिस कार्बन से अटैच होगा लाइट, और इसका एडजेसेंट जो कार्बन है यहां से एच पॉजिटिव। तो बेटा 1, 2 अगर एडजेसेंट कार्बन से कुछ एलिमिनेट आउट हो तो उसे बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अगर एक ही कार्बन से बेटा एलिमिनेट आउट हो तो इसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। और जहां पर साइक्लिक ग्रुप बनता है 1/3 से एलिमिनेशन होता है उसे बोलते हैं गामा एलिमिनेशन, या फिर साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो 1/3 से एलिमिनेट आउट हो तो गामा या अल्फा गामा एलिमिनेशन बोलते हैं। एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप जो निकल रहे एटम निकल रहे हैं तो अल्फा, और एडजेसेंट 1, 2 से निकल रहे हैं तो बेटा बीटा। बीटा एलिमिनेशन बोल दे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल दे। अब कोई एल्काइल है, जैसे हमने लिया मान लीजिए इथाइल क्लोराइड, ये ले इथाइल क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और वो स्ट्रॉन्ग बेस ले ले बेटा हमने एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर इसी एल्काइल हाइड में हम एक्वस सॉल्यूशन पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, देन हैलाइड एंड डिस्प्लेस बाय OH नेगेटिव आयन, हैलाइड एंड रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल आयन, एंड वी गेट द प्रोडक्ट अल्कोहल। ये तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, हियर हैलाइड डिस्प्लेस बाय हाइड्रोक्सिल आयन। बट अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया जाए तो बेटा यहाँ पे अल्कोहल है, और आपको पता होगा अल्कोहल इज अ वेरी वीक एसिड, अल्कोहल वीक एसिड होता है, इवन वीकर देन वाटर, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है ना, ये अल्काइल के प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और जितना ये ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना, इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम, क्योंकि इसमें पीछे से इलेक्ट्रॉन मिलने लग रहे। इधर देखो ये R-OH, ये ऑक्सीजन जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना स्पेसिस वीक एसिड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच वीक एसिड, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, तो इसकी इस तरफ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैक करने की कैपेसिटी कम, दैट विल लेस इजीली डिस्प्लेस एच पॉजिटिव आयन। तो अगर बेटा ये बहुत वीक एसिड है तो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद ये जो एल्कोक्साइड आयन बनती है, आपको पता होगा किसके अकॉर्डिंग, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर ये एसिड वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वेरी स्ट्रॉन्ग। मीन्स हम आपको ये बता रहे हैं कि इस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड में ये जो एल्कोक्साइड है ना, इट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बेस इट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज ऑफ इट्स हाई बेसिसिटी इट इजिली एब्स्ट्रैक्ट द एडजेसेंट एच पॉजिटिव आयन, इसकी एच पॉजिटिव रिलीज करने की कैपेसिटी कम है, तो उल्टा इसकी एच पॉजिटिव आयन को लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, और इजिली एडजेसेंट कार्बन से एच पॉजिटिव आयन निकाल लेगा। रिएक्शन क्या होगी, यहां से गया क्लोराइड है, ठीक है, और एडजेसेंट कार्बन से बेटा क्या निकल जाएगा, एच पॉजिटिव। यहां से हैलाइड, अभी मैकेनिज्म पता नहीं, यहां से हैलाइड और एडजेसेंट कार्बन से क्या चला गया, एच पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। अभी इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, और ये देखो अगर बेटा एडजेसेंट कार्बन एक से ज्यादा है तो एल्कीन्स भी एक से ज्यादा टाइप के बनेंगे। मान लीजिए अपने पास है 2-bromobutane, ये 2-bromobutane that treated with alcoholic solution of sodium hydroxide give its possible product। First आपको condition देखते पता चल जाना चाहिए type of reaction, कि यहाँ पर reaction कौन सी करे, X हटाके OH लगाए या alkene बनाए। तो आप ये देखना alcoholic solution है, alkoxide आयन की presence में that will undergo alpha beta elimination, यहां से निकलेगी bromide आयन, और बेटा जो इसका adjacent carbon है, इसका adjacent carbon ये है और बेटा इसका एडजेसेंट, तो ये भी है, दोनों ही है। मान लीजिए इधर से अगर एच पॉजिटिव आयन निकलती है तो ये एच पॉजिटिव आयन निकलगी,
और ये हैलाइड, ये हैलाइड देखो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है, तभी मैं लगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है, हैलाइड एंड ब्रोमाइड है, ये एच पॉजिटिव ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं पे छोड़ के जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे एडजस्ट, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे दिया, क्या बन गया प्रोडक्ट CH3CH3, ब्यूटेन इज द प्रोडक्ट हियर। और अगर बेटा एच पॉजिटिव इस तरफ से निकले, दोबारा लिख दें, ये CH3CHBr CH2CH3 अगर यहां से एडजेसेंट पोजिशन से एच पॉजिटिव इससे निकल जाए तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट एंड यू गेट द प्रोडक्ट ब्यूट वन। आप याद करो आपके प्लस वन में सब पढ़ा हुआ है, इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो एल्काइलाइड अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजेनेशन एंड गिव द एल्कीन। Now, which is the major product here? Which one is found in excess? तो बेटे यहाँ पे सेट्स ऑफ रूल अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन, दोबारा सुन लो यहाँ तक का, कि एल्काइलाइड में एल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में X गया X और एडजेसेंट कार्बन से X पॉजिटिव और प्रोडक्ट क्या बन गया एल्कीन। अगर एडजेसेंट कार्बन एक से ज्यादा है तो एल्कीन्स भी एक से ज्यादा टाइप की बनेगी। Now that which alkene will be found in excess? कौन सा एल्कीन ज्यादा बनेगा, ये बेटा दो रूल्स डिसाइड करते हैं, एक तो सिटजफ रूल, एक तो सिटजफ रूल जिसे हम जिटसोस एलिमिनेशन बोलते हैं, एक ही बात है सिटजफ या जिटसोस। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड इन एक्सेस, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड इन एक्सेस। समझा मोर एल्काइलेटेड का मतलब क्या है, कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अप्रोच ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हो, द कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, दो बॉन्ड तो बन गए आपस में, यहाँ दो ग्रुप लगेंगे इसके साथ भी दो ग्रुप लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ना होके एल्काइल ग्रुप आ जाए, जैसे कि अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिपेंड करता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन डिपेंड करते हैं अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू दिस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर बेटा ये एच अटाके में ये लगा दो अल्काइल ग्रुप, देखो ये एल्काइलेटेड एल्कीन हो गई, ये पहले वाले एल्कीन से ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज देर आर थ्री अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में अब क्या काउंट कर लेना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में ये एक अल्फा कार्बन, यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्कीन पहले वाले इथेन से ज्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ पे एक अटैक और लगा दे तो बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सिक्स हो गए, मोर स्टेबल, और लगा दे और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो जितने आप अल्काइल ग्रुप लगाते जाओगे जितने मीन्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाएंगे वो एल्कीन क्या होगी मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सिटजफ रूल। बेटा ये रूल अप्लाई होता है वहां पे, ये उन एल्काइलाइड्स के लिए अप्लाई होता है जहां पे बेटर लिविंग ग्रुप हो, मीन्स हैलाइडन आसानी से निकल जाए, और बेटा लिविंग कैपेसिटी है आयोडाइड से कम ब्रोमाइड की, उससे कम क्लोराइड की, उससे कम फ्लोराइड की, तो ये जो सिटजफ रूल है ये बेटा अप्लाई होता है किसके लिए, फॉर द एल्काइल क्लोराइड, फॉर एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, मीन्स अगर हम बोर्ड की बात करें, तो अपने सीबीएसई बोर्ड में जितने भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन वो सिटजफ रूल से रिलेटेड ही मिलेंगे, सिटजफ से रिलेटेड, इसी की एप्लीकेशन दी हुई है। तो सिटजफ अप्लाई कब होता है ये आप देख लीजिएगा, इन केस ऑफ द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स, एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड, तो ये बेटा रूल अप्लाई होता है। ये रूल क्या कहता है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, मींस हियर द ब्यूट टू इन और ब्यूट वन इन, तो दिस ब्यूट टू इन इज फॉर्म्ड इन एक्सेस, ये अपना मेन प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू सिटजफ रूल, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड के केस में, एल्काइल क्लोराइड के केस में सिटजफ रूल के अकॉर्डिंग ही एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की नोट करोगे तो थ्री और थ्री क्या मिलेंगे सिक्स, और अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन टू है, तो ऊपर वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। बट इस सिटजफ रूल के लिए अब दो बातें ध्यान रखना, फर्स्ट दैट अप्लाइड इन केस ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड एडेड, इन केस ऑफ एल्कोल्स, एल्कोल केस में बोले होता है एल्कोल के एलिमिनेशन के बाद, दैट नॉट अप्लाइड फॉर द फ्लोराइड्स,
एल्काइल फ्लोराइड्स के लिए होफमैन एलिमिनेशन होगा, एल्काइल फ्लोराइड्स के लिए, ठीक, एल्काइल फ्लोराइड के लिए होफमैन, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, दिस सेट्स ऑफ रूल इज एप्लीकेबल व्हेन द बेस इज ऑफ स्मॉल साइज, जैसे एल्कोक्साइड है तो इथोक्साइड है, बल्कि ग्रुप ना हो, NH2 ग्रुप लगा दे, अमाइडाइल लगा दे, थायोहाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दे, तो स्मॉल बेस, बेस स्ट्रॉन्ग हो बट साइज स्मॉल हो, मीन्स अगर हम इसी एल्काइल क्लोराइड, क्या था, 2-chlorobutane, अगर बेटा इसकी रिएक्शन करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये ले ले, इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये ले ले टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ग्रुप, ठीक है, सिंपल एल्कोक्साइड है ना, लेकिन टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले ले, कार्बन CH3 CH3 CH3, तो दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, ये जब अटैक करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा फील करेगा, तो बेटा ये इस साइड पे अटैक ना करके ये इस वाले पे जल्दी अटैक कर जाएगा, तो बल्कि ग्रुप की केस में भी होफमैन रूल अप्लाई होता है। होफमैन, आपको होफमैन की मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको होफमैन वाला केस, आप याद रखना होफमैन एलिमिनेशन अप्लाइड इन केस ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ या तो एल्काइल फ्लोराइड की केस में अप्लाई होता है, या फिर क्लोराइड है पर आपने बेस क्या ले लिया, बल्कि टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले लिया, तो बेटा टर्शियरी ब्यूटोक्साइड यहां से एच पॉजिटिव निकालेगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा फील करेगा, तो ये साइड वाले से निकाल लेगा, और इस केस में अगेन क्या होगा, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन फॉर्म्ड इन एक्सेस, अपना मेजर क्वालिटी हो जाएगा। सिटजफ ने तो कहा था मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, ठीक, और बेटा होफमैन के अकॉर्डिंग लेस एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब कौन सा मैकेनिज्म ओबे करता है ये एलिमिनेशन होते टाइम, दोबारा बताएं, एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एल्कोक्साइड, बट स्टेरिकली हिंडर्स ना होना चाहिए, बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन फॉर्म्ड इन एक्सेस आल्सो इन केस ऑफ एल्कोहल। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो बेटा जो सिटजफ रूल है वो फॉलो करते हैं ई टू एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बेटा E1, E2, E1, CB ऐसे अलग अलग टाइप का होता है, चार टाइप का होता है एलिमिनेशन में, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन और EI मींस इंट्रा मोलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो यहाँ पे अभी सिटजफ रूल की बात चल रही है, एल्काइल हैलाइड्स में आपको दो मैकेनिज्म मिलेंगे, E2 एलिमिनेशन मिलेगा एल्काइल हैलाइड में, कौन सा मिलेगा, एल्काइल में E2 एलिमिनेशन, और बेटा होफमैन रूल जहां पे अप्लाई होगा वहां पे E1 CB होगा। देखो अब ये E2 एलिमिनेशन क्या कहता है, बिल्कुल SN2 की तरह, जैसे ये एल्काइल है, ठीक, और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक दिस इथोक्साइड है, हमने यहाँ पे डाल दिया एल्कोलिक सोल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। आराम से देखना एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्लोराइड यहां से जाएगा एडजेसेंट से एच पॉजिटिव, कैसे जाएगा वो देख लीजिए बेटा, कैसे जाएगा यहां से, ये बेस है बेस, इसकी बेसिटी बहुत हाई है, तो ये बेस क्या करेगा यहां से क्या निकाल लीजिएगा, एच पॉजिटिव निकाल लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट, और ये क्लोराइड है यहां से निकल जाएगा, ये हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, SN2 एक स्टेप में होती है, बेस का अटैक करना और हैलाइड आयन का निकलना एक साथ होता है SN2 में, सेम यहाँ पे भी बेस के द्वारा एच पॉजिटिव आयन का निकलना, हैलाइड आयन का निकलना, बोथ अकर साइमल्टेनियसली, रिएक्शन कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप। यहाँ पे बेटा जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो देख लीजिए क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट कार्बन H सिंगल बॉन्ड CH2Cl, देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो बेस है ना बेस, ये एल्कोक्साइड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर रहा है इस H पॉजिटिव को निकालने के लिए, ये H पॉजिटिव को निकालने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर लेके जा रहा है ताकि H पॉजिटिव को निकाल ले जाए, जब बेटा ये H पॉजिटिव को निकालने लगेगा तो इसके साथ इसका बॉन्ड बनने लग रहा है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने लग रहा है, तो उसी दौरान कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक होने लग जाएगा, और बेटे ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से होता जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा, और ये बॉन्ड बनने लगेगा तो कार्बन क्लोराइड के बीच का बॉन्ड टूटने लग जाएगा। देखो इस एल्कोक्साइड का इलेक्ट्रॉन पेयर देके एच पॉजिटिव का लेना,
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना और हैलाइड आयन का निकलना, ऑल दिस अकर साइमल्टेनियसली। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कार्बन कार्बन की वजह से डबल बॉन्ड है, तो ये क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया, ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक, दोबारा देख लो, इधर से आपको क्लियर दिखेगा, ये एल्कोक्साइड एच पॉजिटिव को लेके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ रहा है, ये क्लोराइड निकल रहा है, ये ई टू एलिमिनेशन है। ओके, देन क्या बन जाएगा यहाँ से, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये ई टू एलिमिनेशन है। ठीक, ए टू एलिमिनेशन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल आयड एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ दिस बेस, ये जो अपनी यहाँ पे एल्कोक्साइड है ये बेस जिसका काम है यहाँ से एच पॉजिटिव निकालना, बोथ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, रेडिटेनिंग स्टेप यही स्टेप है, तो बेटा ये वो एल्काइलाइड इस ई टू एलिमिनेशन को इजिली ओबे करेंगे जहां पे एल्कीन जो बनने वाला है ना वो क्या हो, मोर स्टेबल। ई टू एलिमिनेशन इज फेवर्ड वेयर एल्कीन इज मोर स्टेबल। जितना एल्कीन बेटा ज्यादा स्टेबल बनने वाला ना वो एल्काइलाइड उतना इजिली एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होगा। मीन्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलाइड विच इजिली अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बाय ई टू एलिमिनेशन, कौन से में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जरूरी होगा। एक अपने पास एल्काइल क्लोराइड है, एक अपने पास बेटा ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, एक अपने पास बेटा ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है विच इजिली अंडरगो द एलिमिनेशन। देखो आपने यहां से क्या करके देख लेना, ये कहता है जिसकी ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल वो अल्काइल क्लोराइड उतना ही एलिमिनेशन में इजिली इन्वॉल्व होगा। आपको ये अल्काइल क्लोराइड की ट्रांजिशन स्टेट देखने तो आपको ये डबल बॉन्ड आने लग रहा है, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है तो आप इधर देखो, मतलब सीधे सीधा क्या देखिए, एल्कीन की स्टेबिलिटी। जितनी एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगी वो अल्काइल हैलाइड ई टू एलिमिनेशन में उतना ही इजिली पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे एल्कीन का बनना ही रेड ट्रेनिंग स्टेप है, तो बेटा इससे एच क्लोराइड है यहाँ से एच पॉजिटिव, यहाँ से एल्कीन क्या बनेगा, ये अगर ये वाला लेकर चलोगे तो यहां से गया क्लोराइड है एडजेसेंट से चला गया एच पॉजिटिव, तो बेटा एल्कीन ये बनेगा, और ये लेके चले तो क्लोराइड यहाँ से एच पॉजिटिव यहाँ से, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ये बनेगा। अब बेटा जस्ट एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करो, ये एन एल्काइलेटेड यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6, तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो बेटा ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टुवर्ड्स ई टू एलिमिनेशन। अपना मेन रोल ई टू एलिमिनेशन का ही है कि अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड वो वाला एल्कीन ज्यादा बनाएंगे जो क्या हो, मोर एल्काइलेटेड, और मोर एल्काइलेटेड एल्कीन का बनना यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, ई टू मैकेनिज्म। जितनी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा उतना ही वो अल्काइल क्लोराइड इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव। एक तो ये बात, दूसरा यहाँ पे ध्यान दे बेटा कार्बोकैटायन नहीं बन रहे, देखो दिस मैकेनिज्म नॉट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रही है तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेयर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आर नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रही है तो यहाँ पे कोई रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, कोई रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जैसे मैं ये चीज आपको कंपेयर करके बता दूं, अगर यहीं पे बेटा एल्कोहल होता ना एल्कोहल, तो एल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है, और एल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एच पॉजिटिव अटैक करती है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये कार्बोकैटायन बनती है, और फिर बेटा एडजेसेंट कार्बन से एच पॉजिटिव निकल के एल्कीन बनती है। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होते टाइम कार्बोकैटायन बनती है, तो कार्बोकैटायन का बनना रिडिटेनिंग स्टेप होता है, वो इवन एलिमिनेशन को फॉलो करते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल में अगर एलिमिनेशन होगा एल्कोहल में, तो बेटा वहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं, बट अल्काइल हैलाइड में जब भी आप एलिमिनेशन करो, जिस कार्बन से एक्स है वहां से एक्स निकालो, एट द साइड से एच पॉजिटिव निकालो, नो रीअरेंज प्रोडक्ट आर हेयर पॉसिबल। देखो जैसे मान लीजिए अपने पास ये दिया हुआ है अल्काइल क्लोराइड, ये दे दिया अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, बी आर
यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 ये दिया हुआ है, और इसमें कह दिया L को लिख QH डाल दे, कंप्लीट द रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, ब्रोमाइड है, एडजेसेंट कार्बन से H पॉजिटिव, तो एडजेसेंट कार्बन ये इसके पास H है, इधर तो है ही नहीं, तो यहां से ब्रोमाइड निकालो, यहां से H निकालो, तो CH3 कार्बन CH, यहां से गया ब्रोमाइड, एडजेसेंट से गया H, डबल बॉन्ड CH2 बन गई एल्कीन। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्रोमाइड आयन निकली और एक कार्बोकैटायन बना और ये मिथाइल शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं है। एल्काइलाइड्स E2 एलिमिनेशन को ओबे कर रहे हैं जहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनती, नोट करने पॉइंट। अगर मान लीजिए अपने पास ये प्रोडक्ट है, दिस इज द एल्काइल ब्रोमाइड, और बेटा एक हम ये ले लें एल्कोहल, यहाँ पे डाल लो मैं कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एल्कीन बनेगा यहाँ पे एल्कीन। एक मिनट ये ले लीजिए, OH, ठीक है, ये ले लिया Br, ओके। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव एंड निकलेगा, इलेक्ट्रोपेयर लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रोपेयर लेके जाएगा, तो इस यहाँ वाटर का निकलना, कार्बोकैटायन का बनना रिडक्टमिंग स्टेप होगा, और ये अपना यहाँ से रिंग एक्सपेंड करके अपने आप को इस फॉर्म में ले आएगा, और जो अपना प्रोडक्ट हो क्या बनेगा, H पॉजिटिव एडजेसेंट यहाँ से निकलेगा, और प्रोडक्ट ये बनेगा एल्कीन। इस केस में इसमें एल्कोहल, फिर दोबारा आगे पढ़ लेंगे, पीछे पढ़ भी चुके, फिर पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से गया ब्रोमाइड, और इसका जो एडजेसेंट कार्बन हो ये, इस एडजेसेंट कार्बन से निकाल दो H पॉजिटिव, और सीधी सी बात है कि एल्कोहल QH की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, यहां से H पॉजिटिव, यहां से ब्रोमाइड, यहां पे डबल बॉन्ड, दैट इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बन गया, यहां से ब्रोमाइड एन गई, यहां से ब्रोमाइड, और इस एडजेसेंट कार्बन से क्या चला गया, H पॉजिटिव। ठीक, एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, मतलब जिस कार्बन से एलाइड निकल रहे है ना, ठीक, उसके एडजेसेंट कार्बन से H पॉजिटिव निकलता है बेटा अपोजिट में, वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो इधर से यहां से एक्सपोजर निकाल के ले जाएगा, ये इलेक्ट्रोपेयर यहाँ पे सिर्फ, और ब्रोमाइड है यहां से निकलेगी, तो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक, अगर आप सिस कंपाउंड लेके चलोगे तो एल्कीन अपने को सिस मिलेगी, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये देखकर CH3 HBr H, और यहाँ पे लगा दिया कोई भी अदर ग्रुप, लगा दिया जाए Cl, लगा ये HCl ना, यहाँ पे लगा दिया मैंने C2H, ये लगा दिया, तो ब्रोमाइड एन यहाँ से एडजेसेंट से क्या निकालोगे, H पॉजिटिव, तो जो एल्कीन बना एल्कोहल QH की प्रेजेंस में वो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, फिर कार्बन, फिर CH, यहाँ पे ब्रोमाइड एडजेसेंट से H गया, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ क्या बेटा, यहाँ पे CH3, ठीक, और यहाँ पे क्या है C2H5। अगर दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, यहाँ पे सिन अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे आपको सिस एल्कीन मिलेगी, और अगर ट्रांस अरेंजमेंट है तो वहां पे ट्रांस एल्कीन मिलेगी, ऐसा भी ध्यान रख लेना, बाकी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कॉम्पिटिशन में खूब मिलेंगे ऐसे आपको। अगर अपने पास एल्काइल फ्लोराइड है, लास्ट केस से जब हो गई, अपने पास ये कंपाउंड है और इसे कह रहे हैं एल्कोहलिक KOH, ध्यान देना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द रिएक्शन, आप रिएक्शन याद रखो, एल्कोहलिक QH एलिमिनेशन होगा, ब्रोमाइड एन जाएगी एडजेसेंट कार्बन से H पॉजिटिव, तो बेटा इसका एडजेसेंट तो 1, 2, 3, ये तीन इसके एडजेसेंट है, तो यहां से ब्रोमाइड, तो H पॉजिटिव यहां से निकालोगे, तो बेटा जी ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH3 जो भी है यहाँ पे CH3, ठीक, ये यहाँ पे ये CH3। एक दूसरे यहां से गई ब्रोमाइड एडजेसेंट ये है, इसे निकाल दो H पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और बेटा ये वाला कार्बन और ये कार्बन सिमेट्री के लिए कोई से निकालो, एक ही बात है। अब बताओ यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अप्रोच अल्फा हाइड्रोजन गिनो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 3, 7, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 7 है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 7 है, दैट एल्केन विल बी फॉर्मड इन एक्सेस। ये आज का सबसे मेन पॉइंट है, जरूर याद रखना, एल्काइल हैलाइड में एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होती है, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज फॉर्मड इन एक्सेस। अगर बेटा एल्काइल फ्लोराइड है लास्ट,
अगर अल्काइल क्लोराइड है ये वीक लिविंग ग्रुप आसानी से नहीं निकलता, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है काफी। इस केस में अगर यहाँ पे डाल दिया जाए बेटा एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, एल्कोहलिक, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट फ्लोराइड है, यहाँ से एडजेंट कार्बन है, एडजेंट ये भी है, तो प्रोडक्ट बेटा CH2CH2CH3 वन ब्यूटीन बन सकता है, प्लस में फ्लोराइड यहाँ से एक्सपोज्ड, यहाँ से बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे ब्यूट टू इन भी बन सकता है, दोनों बनेंगे। अल्काइल फ्लोराइड्स के लिए अप्लाई क्या होगा, होफमैन्स एलिमिनेशन, और अपना मेजर प्रोडक्ट ये होगा बेटा। अब यहाँ पे E2 मैकेनिज्म नहीं है, E2 मैकेनिज्म नहीं है, एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए अप्लाई हो जाएगा E2, एल्कोहल के लिए कार्बोकैटायन बनती है, वहां पे मैकेनिज्म होता है E1, और बेटे यहां पे मैकेनिज्म होगा E1CB, मींस एलिमिनेशन E1 की है तरह है, बट कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कैसे देखो, ये क्यों बता रहे, ये मेन पॉइंट होगा, ये फ्लोराइड है नहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ये इसका कार्बन को डेफिशिएंट करेगा, ठीक है, ये इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करेगा तो इसको डेफिशिएंट करेगा, और बेटा इधर से इसको भी, मतलब जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन को डेफिशिएंट कर देगा। अब देखिए क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मैं यहां पे करती हूं, इसके पास भी है एच निकलने के लिए, और बेटा एच निकलने के लिए इसके पास भी, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या निकाल ले जाएगा, एच पॉजिटिव। तो अब ये देखो कौन सी एच पॉजिटिव जल्दी निकलेगी, बट ये कार्बन ज्यादा डेफिशिएंट है, बेस है ना वो इस एच पॉजिटिव को जल्दी निकाल ले जाएगा, देखो, क्योंकि यहां पे क्या है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तीनों तरफ देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो एच पॉजिटिव निकलेगा इस केस में, यहां से देखो इसके पीछे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, पर इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, तो ये एच पॉजिटिव को जल्दी से नहीं निकालेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे तभी तो एच पॉजिटिव निकले। इससे भी और आसान तरीका देखो, फ्लोराइड के केस में जो एडजेसेंट कार्बन है अब दोनों तरफ से एच पॉजिटिव निकल के देख लो, दोनों तीनों जितनी तरफ है एच पॉजिटिव निकलते ही क्या बनेगा, ये अनायन बन गई, अनायन CHF CH2CH3, बेटा एक तो अनायन ये बन गई, और दूसरी अनायन क्या बन सकती है, एच पॉजिटिव ये निकल गई, तो CH3 CHF और CH-CH3, बेटा यहाँ पे पहले H पॉजिटिव आयन निकाल लेगा, ये H पॉजिटिव निकाल लेगा, जैसे E1 में कार्बोकैटायन बनता है, E1CB में कार्बो अनायन बन गई, अब वो कार्बो अनायन ज्यादा बनेगी जो मोर स्टेबल हो, इसलिए कहा यहाँ पे E1 कॉन्जुगेट बेस, कि H पॉजिटिव निकलने के बाद जो अनायन बन गई है इसका कॉन्जुगेट बेस, कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बनेगा। अब बेटा कार्बो अनायन तो आपको पता होगा प्राइमरी मोर स्टेबल होगी, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है ना, इधर से भी अलग अलग प्लस आई, इधर से भी अलग अलग प्लस आई, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो होफमैन ने कहा था कि पहले आप एडजेसेंट एच पॉजिटिव निकालो, वो एच पॉजिटिव जल्दी निकलेगा जो कार्बन है क्या बना है मोर स्टेबल, इसलिए जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो उधर एच पॉजिटिव निकालना, ताकि कार्बन है प्राइमरी बने तो क्या हो मोर स्टेबल, इसलिए यहां से ये एच पॉजिटिव निकल गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकंड स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे सिर्फ और फ्लोराइड आयन का निकलना, तो यहाँ पे इस कॉन्जुगेट का बेस का बनना रिडिटर्मिंग स्टेप है, इसलिए हमने ये कह दिया हेयर द ब्यूट वन इन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये है होफमैन्स एलिमिनेशन। अगर यहाँ पे बेस बल्कि हो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड लाइक, तो फिर कोई सा हैलाइड हो होफमैन एलिमिनेशन होगा, क्योंकि वो बल्कि बेस बीच में ना अटैक करके साइड में अटैक करना चाहेगा, और अल्काइल फ्लोराइड हो तब भी होफमैन एलिमिनेशन होगा, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेस अल्काइलेटेड एल्कीन फॉर्मड इन एक्सेस। ओके बेटा थैंक्स, ये था सारा एलिमिनेशन के बारे में।